बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश दौलताबाद के निधन पर एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, गोपाल कांडा ने यह कहा। उन्होंने ये भी लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, भगवान परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। राकेश दौलताबाद एक जन नेता थे, बिल्कुल एक जन नेता थे, जिनको जनता चुनती है वो जन नेता होते हैं। हरियाणा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राकेश दौलताबाद के निधन पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने शोक जताया है, दुख जताया है। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने राकेश दौलताबाद के निधन पर यह कहा कि उनके निधन से स्तब्ध, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये ट्वीट उन्होंने किए सोशल मीडिया साइट पर, पोस्ट उन्होंने किया है। बादशाहपुर से विधायक और सदन में मेरे साथी श्री राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। जब से खबर सामने आई है राकेश दौलताबाद के निधन की, तब से ही तमाम जो नेता हैं वो दुख जता रहे हैं, शोक जता रहे हैं। और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बादशाहपुर से विधायक और सदन में मेरे साथी श्री राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, राकेश दौलताबाद के निधन की जानकारी सामने आई है और इस पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी दुख जताया है, अधिक जानकारी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद वाकई में संघर्षशील युवा थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और 2019 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत कर आए और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसे समर्थन दिया। और सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी 2019 में जब चुनाव जीता तो उन्होंने केवल विकास कार्यों को अपने उनको देखते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया, दोनों ही सरकार में साथ रहे। और ऐसे में अब ट्वीट के माध्यम से उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है, वो दुख जताया है गोपाल कांडा ने। उन्होंने कहा कि उनके राकेश दौलताबाद मेरे सदन में साथी भी रहे और उनके आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ और इस वक्त उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही परिवार इस जो अत्यंत दुख हुआ है, जो आज इस प्रकार से राकेश दौलताबाद का आकस्मिक निधन जो है वो पूरे परिवार के लिए एक संकट लेकर आए, उसे सहन करने की शक्ति भी दे ईश्वर, ये प्रार्थना करता हूँ। और देखिए दोनों ही लगातार साथ रहे, इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही राकेश दौलताबाद जी। और अभी पिछले दिनों भी देखिए जब सरकार के साथ तीन विधायक छोड़कर चले गए थे, तीन निर्दलीय विधायक, उस समय भी राकेश दौलताबाद जो है वो सरकार के साथ डटे रहे और उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है और कई लोग उनकी संवेदनाएं उनके निधन पर व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने जिस तरह से कहा कि वो जन नेता थे और सिरसा विधायक भी जन नेता ही हैं, जब राष्ट्रीय दलों का जोर होता है प्रदेश में तो उस दौरान अगर इस तरह से विधायक अपने दम पर जीत करके आते हैं तो वाकई क्षेत्र में उनका प्रभाव समझा जा सकता है कि कितना रहा होगा। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज में पहले ही सेवा देते रहे हैं, इसी के बलबूते पर इतनी बड़ी जीत जो है उन्होंने हासिल की थी। लेकिन अब ये कितना बड़ा नुकसान हरियाणा के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से और विशेष रूप से बादशाहपुर क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हमें देखिए हितेंद्र, बात सही है आपकी कि निर्दलीय विधायक होना अपने आप में बड़ी बात होती है, अपने बलबूते पर विधायक बनना और एक पार्टी एक दल से जुड़कर विधायक बनना एक अलग बात है। तो ऐसे में बिना संघर्ष के कोई भी जन नेता नहीं बन सकता। और ठीक बात कही है सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने भी कि वे जन नेता थे क्योंकि बादशाहपुर की जनता ने उन्हें 2019 में अपना प्रतिनिधि चुना। देखिए करीब 2 लाख जो वोटर एक क्षेत्र में होते हैं, ऐसे में 2 लाख लोगों का प्रतिनिधि बनकर हरियाणा की विधानसभा में या किसी भी प्रदेश की विधानसभा में कोई विधायक चुनकर जाता है और निर्दलीय जाता है तो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय होता है, तभी लोग उन्हें चुनते हैं। तो ऐसे में राकेश दौलताबाद भी देखिए 45 साल की उनकी उम्र और उसमें उन्होंने एक बड़ा संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया और वे विधायक भी चुने गए। हालांकि देखिए कई बार कई परिस्थितियां ऐसी होती है जब आदमी अपनी जो मंत्री पद और इस तरह से नहीं मिल पाते, तो ऐसे में फिर भी किसी बिना किसी शर्त के वे भी सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की तरह ही बिना शर्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिए रखा। हालांकि गठबंधन टूटा तब भी वे साथ रहे और बाद में भी जब तीन विधायक छोड़कर चले गए तो राकेश दौलताबाद
वहां उनके भाजपा के साथ खड़े मिले, तो ऐसे में उनका एक समर्पण भाव, एक निष्ठा भाव और एक जो अपने क्षेत्र के प्रति लगाव और उसी के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन, तो ये तमाम गुण थे जिसकी वजह से उन्हें जन नेता गोपाल कांडा ने भी कहा है। और ठीक इसी तरह की जो छवि है वो गोपाल कांडा भी रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथी विधायक थे और उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। देखिए तमाम लोग जो है वो राकेश दौलताबाद के बादशाहपुर के क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और एक आकस्मिक निधन 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन जो है अपने आप में एक बड़ा दुखद बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए।